हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फेवरेट यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन सपोर्ट। माय नेम इज शिवम एंड गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास जो मैटर है हमारे सराउंडिंग में, हम उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेडअप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। सो गाइस, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो मटेरियल से बनी हुई हैं। हमारे आसपास की जितनी चीज़ें हैं वो मटेरियल से बनी हुई हैं और इसे साइंटिस्ट मैटर का नाम दिए, इसे मैटर कहते हैं। जैसे कि द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लैनेट, एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग इज मैटर। इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल ऑफ सैंड, ईच थिंग्स इज मैटर। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड ऑल थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस दैट इज वॉल्यूम एंड हैव मास। गैस, जो भी मैटर होता है उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और उसका खुद का अपना मास होता है। तो मैटर की डेफिनेशन क्या हुई, एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। सो गैस, किसी भी मटेरियल के पास अगर खुद का मास है और कोई ना कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, जैसे कि हमारा चेयर हो गया, टेबल हो गया, कुछ ना कुछ जगह वो ऑक्यूपाई कर रहा है, कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वही है मैटर। एंड गाइज, एंशियंट टाइम में क्या था कि जो इंडियन फिलोसफर्स थे, क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, द पंच तत्व, एयर, वाटर, सॉयल, स्काई एंड फायर। सो गाइज, ये एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेडअप ऑफ दोज 5 बेसिक एलिमेंट्स। सो गाइज, उनका मानना ये था, जो एंशियंट फिलोसफर थे, इंडियन फिलोसफर थे, उनका ये मानना था कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो इन्हीं 5 एलिमेंट्स से मिलकर बनी है, दैट इज एयर, वाटर, सॉयल, फायर एंड क्लाउड। एंड मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। सो गाइस, अभी जो साइंटिस्ट है उन्होंने किस पे डिवाइड किया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मटेरियल या मैटर को डिवाइड किया है। सो पहले है गाइस फिजिकल नेचर। फिजिकल में क्या क्या आता है, फिजिकल में आता है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। सो गाइस, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, जो मैटर है वो पार्टिकल से मिला है, बट वो पार्टिकल कंटिन्यूअस होगा या नॉन कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा, ओके, एक वुड या फिर एक सैंड पार्टिकल, ये दोनों भी तो मैटर हो सकते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि जो मैटर है वो यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है, कंटिन्यूअस है या नॉन कंटिन्यूअस है। उसके लिए गाइस एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ ऊपर, ये एक्सपेरिमेंट क्या है, आप पानी लीजिए एक बीकर में या फिर एक ग्लास में, उसमें सॉल्ट को मिक्स करिए। अब सॉल्ट और वाटर दोनों ही मैटर हैं, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जो सॉल्ट रहेगा ना वो वाटर में मिक्स हो जाएगा, पूरी तरह घुल जाएगा, ओके, यहाँ घुल गया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस होता है, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि जो वाटर में स्पेस है उसके वजह से जो सॉल्ट पार्टिकल है वो उस स्पेस में मिक्स हो गया। सो गाइस, इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है, व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट गेट इनटू स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर। सो गाइस, जैसे ही हम पानी में नमक को मिलाते हैं तो होता क्या है कि जो सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है उनमें मिक्स हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि जो सॉल्ट है किसी पानी में मिला हुआ है या फिर नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है गाइस, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स तो हैं पर ये कितने छोटे हो सकते हैं, मैटर में कितने छोटे हो सकते हैं। सो लेट अस सी कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स। उसके लगा एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ये क्या कहते हैं, टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट एंड डिजोल्व देम इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। सो गाइज, आपको क्या करना है, 100 ml वाटर लेना है, 100 ml वाटर में थोड़ा सा 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम पर मैंगनेट का मिलाना है। पोटेशियम पर मैंगनेट क्या करेगा, जो वाटर होगा उसको पिंक कर देगा। अब गाइज, जो पिंक वाटर हो चुका है ना, इसमें से आपको 10 ml निकालना है और फिर फ्रेश वाटर 90 ml में मिला देना है। फिर इसी तरीके से आपको सेम रिपीट करते रहना है, 10 ml निकाल के। हम देखेंगे क्या कि जितने भी वाटर हैं सबके सब कलर चेंज कर चुके हैं, मतलब कि जो क्रिस्टल था, क्रिस्टल के पार्टिकल्स पानी में मिले, मिक्स हुए और वो और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गए। एंड गाइस, डिवाइड होने के बाद क्या हुआ कि वो और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होते चले गए, मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 liters। सो गाइस, एक छोटा सा क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का, या फिर हम कह लें कलर का, जिससे हम होली खेलते हैं, उसका एक क्रिस्टल पूरे के पूरे पानी को कलरफुल कर देता है। क्यों, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो सकता है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। गाइस, इतने छोटे वो पार्टिकल्स के हम उन्हें सोच भी नहीं सकते वो कितने छोटे हो सकते हैं। सो गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर।
जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं उनका क्या करेक्टर होता है। फर्स्ट करेक्टर क्या होता है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। गाइज अभी हमने ऊपर जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा उससे ये पता चलता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर का जो पार्टिकल, उसके बीच में स्पेस होता है। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हम कुछ भी देखते हैं उनके बीच में स्पेस होता ही है। चाहे आप ईंट ले लो, पत्थर ले लो, पॉलिथीन ले लो, हर चीज़ के बीच में स्पेस होता है। भले ही वो स्पेस बहुत कम हो लेकिन स्पेस होता है। एंड गाइज अगला क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। सो गाइज दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं वो मूव कर रहे हैं। मतलब कि हमारा दीवार जो घर का ब्रिक है वो भी इस तरीके से मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली इस तरीके से शेक कर रहा है। बट वो इतना माइनर होता है, इतना छोटा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो मूव भी कर रहा है या फिर शेक भी कर रहा है ना। उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हैं, कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं गाइस। सो आप इस एक्टिविटीज़ को पढ़ना और आप कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको कोई डाउट आता है। सो गाइस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में ही अगला पॉइंट है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जितने भी पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब दो चीनी का दाना होता है ना, दो शुगर के पीसेस, वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसमें अट्रैक्शन फोर्स रहता है। गाइस उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया है कि अट्रैक्शन फोर्स किस तरीके से काम करता है। ओके ये एक्सपेरिमेंट, जैसे टेक आयरन नेल, पीस ऑफ चार्क पेपर एंड रबर बैंड, ट्राई बेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। सो गाइस आपको आयरन नेल लेना है, चॉक लेना है, रबर लेना है और आपको हथौड़े से मारना है। आप देखोगे रबर नहीं टूटेगा, नेल बहुत टाइम लगेगा उसे पिचकने में, टूटने में, और चॉक तुरंत टूट जाएगा। वो इसलिए होता है क्योंकि उनके बीच में जो पार्टिकल्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, लेकिन होते सारे ही मैटर हैं। क्यों एक टूट जाता है, क्यों एक नहीं टूट पाता, वो इसलिए क्योंकि उनके बीच में जो अट्रैक्शन है ना पार्टिकल का, वो अलग है। चॉक में कम होता है, आयरन में ज़्यादा होता है। एंड गाइस यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन कौन सा मैटर है। तो चॉक, एयर, लव। लव इज नॉट ए मैटर, इट्स अ फीलिंग। सो गाइज लव फीलिंग है, मैटर नहीं है। स्मेल, स्मेल भी हमारा एक टेस्ट है कह सकते हैं। ओके हेट, ये भी फीलिंग है। आलमंड, एक बादाम, उसका भी मास होता है, एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो वो भी हमारा मैटर है। मतलब गाइस इनमें से जितनी भी चीज़ों का मास होगा और उनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी स्पेस में, वो मैटर होंगे। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड यू हैव टू गो टू क्लोज। सो गाइस एक प्रॉपर्टी होती है ना कि जब हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनके पार्टिकल के बीच में मोशन बढ़ जाता है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज़ दे पोजेसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। गाइस जो पार्टिकल मूव करते हैं ना उनसे एक एनर्जी निकलती है, जो इस तरीके से पार्टिकल हमारे आसपास सारे मूव कर रहे हैं उनसे एक एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेज द पार्टिकल मूव फास्टर, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं जो इनका मोशन है वो और तेज़ हो जाता है, वो बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं गाइज। एंड इसी को हम कहते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज। सो गाइज अगर टेम्परेचर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मटेरियल का इंक्रीज करते हैं, किसी मैटर का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। इसका आंसर है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हॉट फूड की ज़्यादा होती है, मतलब उनके बीच में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो दूर तक ट्रेवल कर पाते हैं जो स्मेल होती है। वहीं कोल्ड फूड का क्या है, कोल्ड फूड में स्मेल कम इसलिए आती है क्योंकि उनका काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होता है। काइनेटिक एनर्जी कम होता है तो वो स्मेल हमारे आसपास जल्दी नहीं पहुँच पाती, मतलब दूर नहीं पहुँच पाती। ओके अदर क्वेश्चन इज की अ ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच ऑफ द प्रॉपर्टी मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। सो गाइस कौन सी प्रॉपर्टी है जो इस एक्सपेरिमेंट को बताती है कि कोई भी जो ड्राइवर है वो स्विमिंग पूल में तैर पाता है। वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, इसी वजह से ड्राइवर जो है वो वाटर में स्विम कर पाता है, तैर पाता है। एंड व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर, इसका डिस्कशन हमने गाइस कर लिया है। सो फिलहाल इस वीडियो में गाइस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अगर इसका वीडियो और आप चाहते हो कि मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट बताऊँ, स्टेट ऑफ मैटर आगे पढ़ाऊँ, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से ये बात बता दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। तो गाइस मिलते हैं एक अगले और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।